प्लिनी द एल्डर जो अपने समय के फेमस रोमन लेखक और फिलोसोफर थे। वह जब समुद्र से सफर कर रहे थे तब उन्होंने दूर से पोम्पाई शहर को लावा से धधकते हुए देखा। उन्होंने देखा कि ज्वालामुखी के लावे से पूरा शहर जल रहा है। वह अपनी नाव को शहर की तरफ घुमा लिए इस आस में कोई जिंदा बचा हो तो उसे रेस्क्यू किया जा सके। मगर लावा की वजह से गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। पर मरने से पहले उन्होंने एक चिट्ठी के जरिए अपने आंखों देखा हाल उस चिट्ठी में लिख दिया था। उस चिट्ठी में इस घटना का पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है। शहर की बनावट और इतिहास के पन्नों को खंगालने बाद ये पता चला कि पोम्पाई शहर अपने समय का काफी विकसित शहर था, और तो और यह टूरिस्ट्स का ग्रैंड सेंट्रल भी था। यहाँ आपको पक्के घर, मकान, दुकान, ग्रुप एक्सरसाइज सेंटर भी मिल जाएंगे। यहाँ मौजूद बंदरगाह ये बताता है कि यहाँ व्यापार भी काफी जोरों शोरों से होता था। इस शहर के बाजार काफी फेमस थे, लोग दूर दूर से खरीद